क्या हुआ? डांट रहा है मम्मा को। क्या? डांटो मत यार बेबी। व्यान अंकल ध्यान रख रहे हैं ना मम्मा का? मम्मा बिल्कुल ठीक है। ओ, अच्छा, मम्मा और व्यान अंकल बातों में बिजी हो गए और बेबी पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी से जो भी बात हो, या तो इनके बारे में हो या इनसे हो, बेबी को सब जानना है। वेरी क्लियर। आ, बेबी को फील कर। कम ऑन। नहीं। अरे आ ना। आ। नहीं, 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 मैं पागल हो गई क्या? नहीं। अरे आ ना। कम कम। मुझे तो कुछ कि किया, लात मारा। What was that? What was that? बेबी, I'm Viaan अंकल, आपके मम्मी पापा का दोस्त। और जब आप बाहर आओगे ना हमारे साथ, तब आपका दोस्त बन जाऊंगा। या नहीं, दोस्त नहीं, आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगा। ओके, सी यू, बाय। कथा ने बिल्कुल सही कहा था यार, एक फादर के लिए एक बच्चे के साथ अब से कनेक्ट करना जरूरी है, जब से उस दुनिया में भी ना हो। I'm not prepared for this, यार। नहीं, तेरी हालत इतनी खराब हो गई थी और मैं भाग रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। नहीं यार, मुझे भी नहीं पता था। It's okay। नहीं यार, पता नहीं, बस एक ही चीज थी। ऐसी और कितनी चीजें होती होंगी, मुझे कुछ नहीं पता यार। ये तो तुम लोग के जर्नी की शुरुआत है, और कितने फेजेस है, राइट? मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं करने वाला हूं। हाँ यार, मैं बच्चों को समझता हूं, दोस्त बन के, बट एज अ फादर पता नहीं यार। ओए, क्या सब ठीक हो जाएगा? डोंट वरी।
हे बैटमैन, क्या चल रहा है? एग्जाम्स खत्म हो गए कि नहीं? हेलो, हे क्या हुआ? ऑल ओके? कुछ नहीं, बस आपसे बात करने का मन हो रहा था। हाँ, पर ये इतने दुख की तो बात नहीं है ना, तो इतने लो क्यों साउंड कर रहे हो आप? बैटमैन, रॉबिन को बताओ प्रॉब्लम क्या है, बोलो। एग्जाम्स चल रहे हैं, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने सब प्रिपेयर किया, कुछ याद ही नहीं रहता। टीचर ने बोला है कि एग्जाम से ही पता चलता है कि कौन सा बच्चा लाइफ में कितना सक्सेस होगा। लास्ट एग्जाम में पेपर देखते ही मैं फ्रैंक हो गया था। सब प्रिपेयर किया था, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। लगता है मैं तो फेल हो जाऊंगा रॉबिन। बैटमैन, कुछ टीचर्स ऐसे ही प्रेशर डालते हैं। मेरे कितने एग्जाम्स खराब गए, बल्कि मैं तो एक दो एग्जाम में फेल भी हुआ हूँ। पर मुझे देखो, पूरी कंपनी संभालता हूँ, 100 लोगों की टीम हैंडल करता हूँ, राइट? सच में रॉबिन, आप भी फेल हुए हो? ऑफ कोर्स, सब होते हैं। और वैसे ही आप इतने समझदार हो, इतने इंटेलिजेंट हो, मैं आपसे कितनी लाइफ की एडवाइस लेता हूँ। और देखो, लाइफ में ना एग्जाम्स आते रहते हैं। कुछ एग्जाम्स अच्छे जाते हैं, कुछ बुरे। जो बुरे हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या हैं और हमें आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। बस इतनी सी बात है, तो आप प्लीज टेंशन मत लो। मम्मा भी वही बोलती हैं, लेकिन पता नहीं जैसे ही मैम को देखता हूँ डर वापस आ जाता है। ये सही तरीका नहीं है बैटमैन। आपकी टीचर आपको ऐसे प्रेशराइज कैसे कर सकती है? ये स्कूल आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फेलियर के लिए? यू नो व्हाट, दिस इज नॉट डन। अब जरा भी टेंशन मत लो, मैं आज ही आऊंगा आपके स्कूल। प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों से बात करूंगा मैं। अरे नहीं रॉबिन, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़े ही दिन में पीटीए होने वाला है, तो मम्मा ने बोला है कि वो प्रिंसिपल मैम से बात कर लेंगी। बस थोड़ा सा आज लो फील हो रहा था, तो सोचा आपसे बात कर लूं। ओके, ठीक है, पर आप मुझे बताना आपकी मम्मा ने क्या बात की, और आप जरा भी स्ट्रेस मत लेना। सुनो, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ना, तो बैटमैन और रॉबिन दोनों मिलकर सॉल्व करते, राइट? हाँ जी। तो बस आप मुझे कॉल करना और मैं आ जाऊंगा। कॉल करेंगे ना? पक्का रॉबिन, मैं आपको कॉल करूंगा, अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक बाकी के एग्जाम्स के लिए, और हमेशा याद रखना मैं हूँ, हमेशा। तो आज से कोई स्ट्रेस नहीं, ठीक है? बाय रॉबिन। बाय बैटमैन। हाय कथा। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के फाइनल कोड्स हैं, एक बार देख लीजिए। आई ओके? नो, आई एम नॉट। आपको मेरा दोस्त याद है बैटमैन? उसके एग्जाम्स चल रहे हैं और वो इतना स्ट्रेस में है। इट्स बच्चा है यार वो। आपको पता है वो अपने एग्जाम में ब्लैंक हो गया। अब सोचिए वो बच्चा कितना परेशान होगा कि वो अपने क्वेश्चन पेपर के सामने ब्लैंक बैठा है। कितना अकेला फील किया होगा उसने उस मोमेंट में। एंड यू नो व्हाट, आई नो दिस किड, ही इज ब्राइट, हैप्पी, समझदार है वो। और इतना लो साउंड कर रहा था ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग स्कूल चला रहे हैं या फैक्ट्री। आपको कभी एग्जाम्स में स्ट्रेस नहीं हुआ? हो जाता है कभी कभी, बच्चे ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो बैटमैन की फैमिली ने सिचुएशन हैंडल कर ली? हाँ, उसकी मॉम जा रही है स्कूल में बात करने के लिए, एंड शी इज अ वेरी स्मार्ट लेडी। पर मुझे लगता है कि क्या, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए और उस प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप अपनी शांति के लिए किसी और की फैमिली में इंटरफेयर नहीं कर सकते ना मिस्टर रघुवंशी। पर किसी को तो करना होगा, वरना वो बच्चा ऐसे ही परेशान रहेगा। पहली चीज कि आप एक दोस्त के नाते बैटमैन के स्कूल जाकर बात नहीं कर सकते। स्कूल इसे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेगा और आगे जाकर बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात तो फैमिली को ही करनी चाहिए। और अभी आपने कहा ना कि उसकी मदर जाके बात करने वाली है स्कूल में। आई थिंक यही तरीका सही रहेगा इसे हैंडल करने का। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.